चलिए अब बिहार की बात कर लेते हैं। शुक्रवार को हमने पब्लिक इंटरेस्ट में बिहार का नौकरी वाला पॉजिटिव पक्ष आपको दिखाया था कि वहां नौकरियां बरस रही हैं, बहार है। आज हम आपको बिहार के क्रिकेट की दुनिया का बदहाल पक्ष दिखाएंगे। बिहार के इकलौते क्रिकेट स्टेडियम की हालत किसने खराब की? बिहार के युवा खिलाड़ियों के भविष्य से आखिरकार कौन खेल रहा है? अगर स्टेडियम ठीक नहीं तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि टूटे फूटे स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मैच करवा दिया? डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव खुद क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलते रहे हैं, कम से कम उनको तो ये खबर जरूर देखनी चाहिए। पंकज अवस्थी से मिलिए। बिहार के डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर हैं। हर रोज 4 घंटे बिहार के इसी मोइनुलहक स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। सपना है भारत के लिए खेलने का। सपना तो सबका एक ही रहता है कि आगे इंडिया खेलें, स्टेट खेलें, स्टेट टीम को रिप्रेजेंट करें, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। कब से कब तक प्रैक्टिस करते हैं? एक दिन में? एक दिन में यही 4 घंटे। सपना तो बिहार के सुरांश राज ने भी देखा। देश के लिए खेलें, खचाखच भरे स्टेडियम में चौके छक्के लगाएं, पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन करें। रोज कितना घंटा प्रैक्टिस करते हैं? 3 से 4 घंटा। क्या सपना है? इंडिया खेलना है और क्या। मेरा ही नहीं, सारे प्लेयर्स का, जो भी बिहार के जितने भी प्लेयर्स हैं, सबका रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, बिहार गवर्नमेंट से, कि बढ़िया फैसिलिटीज हम लोग को प्रोवाइड किए जाए, एक अच्छा स्टेडियम दिया जाए, ताकि आराम से हम लोग और अच्छे से इंजॉय कर सकें, हम लोग भी आगे प्रमोट हो सकें। लेकिन पंकज हो या फिर सूर्यांश, बिहार के इन युवा खिलाड़ियों के सपनों से कौन खेल रहा है? बहुत ही यहाँ पे सर गंदा स्टेडियम है सर, यहाँ पे सर साफ सफाई नहीं है सर। देखिए, इससे अच्छा तो सर गांव का स्टेडियम होता है सर। सिर्फ एक दूसरे में ये जातिवाद का ये, और वो उसको बोलता है, उसको बोलता है, पर कोई ध्यान देता नहीं है सर। ये बिहार का इकलौता मोइनुलहक क्रिकेट स्टेडियम, दीवारों पर लगा प्लास्टर दब तोड़ चुका है, पौधे उगाए हैं, गैलरी का लेंटर चीख चीख कर अपनी पूरी हो चुकी म्याद ब्यां कर रहा है, सरिये तक साफ दिख रहे हैं, न जाने छत कब गिर जाए। स्टेडियम ठीक नहीं कर पाए तो बोर्ड लगा दिया, गैलरी में प्रवेश निषेध है। विश्व का सबसे अजूबा स्टेडियम, हम स्टेडियम मैच देखने नहीं आए हैं, स्टेडियम को देखने आए हुए हैं। खेल मंत्री यहाँ पे आके पहले दिन हाथ जब मिला रहे थे, उनको शर्म आना चाहिए कि यहाँ पर कैसे वो आ गए। पेवेलियन की सीटें टूट चुकी हैं, घास उगाई, शराब की खाली बोतलें भी पड़ी हैं। स्टेडियम में जहां तक आपकी नजर जाएगी, बद इंतजामी का ही आलम नजर आएगा। इन सब के बीच भी मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और मुंबई के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ। 27 साल बाद यहाँ पे मैच हुआ, तो आए मैच देखने, ऐसा स्टेडियम हम कभी नहीं देखे हैं। हम लोग का जो भविष्य वो खतरे में जा रहा है, BCCI को कुछ करना चाहिए इसके लिए। दीवार में दरार कब कौन सा गिर जाएगा कुछ पता भी नहीं है। BCCI हो या फिर बिहार सरकार, नकारा सिस्टम में कोई स्टेडियम की सुध लेने वाला नहीं। दावा है इस स्टेडियम में 25,000 दर्शक मैच देख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि दर्शक बैठेंगे कहाँ? ये पवेलियन ही जर्जर हो गया है। 2018 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI से दोबारा मान्यता मिली। झारखंड बनने पर बिहार से रणजी ट्रॉफी का स्टेटस छीन लिया गया था। 1993 में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच यहां पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया था। 1996 में केन्या और जिम्बाब्वे के बीच मैच हुआ था। मोइनुलहक क्रिकेट स्टेडियम का इतिहास सुनहरा रहा है। बड़े बड़े इवेंट कराकर देश विदेश में वाहवाही लूटने वाले BCCI के कर्ता धर्ता अब क्या कर रहे हैं? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCCI के अंडर ही काम करती है, फिर कैसे स्टेडियम की हालत इतनी खस्ता हो गई? हम लोग के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी BCCI के सहयोग से अपना एक नया स्टेडियम बनाने के दिशा में काम कर रहा है, और जल्दी ही स्टेडियम हम लोग की भी शिलान्यास होगी। तेजस्वी यादव जी, आप भी स्टेडियम की हालत देख लीजिए। आप खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, खेल और खिलाड़ी दोनों को समझते हैं। 16 महीने से आप सत्ता में भी हैं। 2004 से लेकर 2009 तक आपके पिता लालू यादव जी ने भी
मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार इस स्टेडियम में मैच से पहले फीता काटा था, फिर भी स्टेडियम ने दम तोड़ दिया और आपको पता तक नहीं चला। स्थिति तो बहुत बुरी दिख रही है, यहाँ देखें यही दिख रहा है, यहाँ पे स्थिति है ही क्या, कुछ व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बिहार के खिलाड़ी कहीं झारखंड जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं। बिहार की गठबंधन सरकार में खेल कोटा आरजेडी के पास है। मंत्री हैं जितेंद्र राय। राय साहब इस स्टेडियम में आते भी हैं, खिलाड़ियों से तालियां भी बजवाते हैं, लेकिन स्टेडियम की हालत ठीक करने का ख्याल उनके भी मन में क्या कभी नहीं आया? सिर्फ चारों तरफ जंगल जा रही है, लेकिन जो यहाँ के खेल मंत्री हैं, उन लोगों की आंखों में पता नहीं पट्टी बंधा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सबको दिख रहा है, लेकिन यहाँ के खेल मंत्रालय जो खेल मंत्री है उनको नहीं दिख रहा है कि यहाँ के स्टेडियम किस तरह का है। मोइनुल हक स्टेडियम का टेंडर हो चुका है और जब से नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी है उनकी चिंता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी ने इसके जीर्णोद्धार के लिए बीड़ा उठाई है। मैदान ठीक है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा है वो बहुत पहले ही 2008 में ही ये रिपोर्ट दिया गया था कि ये जर्जर है। मैदान ठीक है, ढांचा जर्जर, नेताजी ये कहते हुए आपका गला नहीं सूखा। खिलाड़ियों को मैदान मिल जाता है लेकिन जो दर्शक पैसा देकर मैच देखने आते हैं उन्हें इस घास के अलावा क्या मिलेगा? अगर गैलरी की छत गिरने से कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्टेडियम को जंगल में तब्दील करने वालों का हिसाब किताब आखिर कौन करेगा? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जबरदस्त कलह है। इसका असर 5 जनवरी को हुए रणजी ट्रॉफी मैच में भी देखने को मिल गया था। मोइनुल हक स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ मैच खेलने के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की 2 टीमें मैदान में पहुंच गई। एक टीम का चयन बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने किया था तो दूसरी टीम का चयन बीसीए के सचिव अमित कुमार ने किया था। मैदान में जमकर बवाल हुआ, हालांकि बाद में राकेश तिवारी की टीम को मैच खेलने का मौका मिला, सचिव अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। मैंने सबसे पहले बीसीसीआई को उन्हें मेल के माध्यम से हमने जानकारी दिया कि हम रणजी का टीम बनाने जा रहे हैं, आप अपना ऑब्जर्वर भेज सकते हैं या सेलेक्टर को भेज सकते हैं और 2 तारीख का डेट है, उसके बाद हम 1 तारीख को फिर रिमाइंडर भेजें, अगर आप नहीं भेजते हैं तो मैं टीम बनाऊंगा। और उन्होंने उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम टीम बनाए, जिस लोकपाल का रेफरेंस दिया जा रहा है एनके सिंह नवल किशोर सिंह के द्वारा, अमित को बर्खास्त कर दिया गया है जो कि नियम संगत नहीं है और वो भी शक के दायरे में आए और कोर्ट ने उन पर भी संज्ञान लिया है। हाल देखिए आप कि मुंबई की टीम से खेलने के लिए बिहार की 2-2 टीमें एक ही ग्राउंड में पहुंच गई। हंसी आ जाती है सुन के भी, क्या हाल है खेल का। वैसे नीतीश कैबिनेट में एक आज फैसला हो गया है, बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन होगा। बिहार में क्रिकेट मैच या स्टेडियम के रखरखाव पर साल 2020-21 में बीसीसीआई ने करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन ना तो बिहार के स्टेडियम ठीक हुए और ना ही एसोसिएशन की गुटबाजी। हम बिहार सरकार और क्रिकेट एसोसिएशन से यही कहेंगे, यही अपील करेंगे, स्टेडियम ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये बिहार के युवाओं की बात है और पब्लिक इंटरेस्ट में हम युवाओं के हित से जुड़ा हर सवाल उठाते ही रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।